बिहार को और मजबूत बनाने के लिए महागठबंधन की सरकार हर तरफ से कोशिश में लगी है। एक तरफ जहां बिहार में महागठबंधन की सरकार और बीजेपी के बीच आए दिन बयानबाजी का दौर चलता रहता है, वहीं दूसरी तरफ राज्य के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के पीछे की कोई और वजह नहीं बल्कि बिहार में सड़क व्यवस्था को मजबूत बनाना। बिहार के डिप्टी सीएम ने मुलाकात के बाद कहा कि नितिन गडकरी हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में अब तक एक भी एक्सप्रेसवे नहीं है, ऐसे में हमने एक्सप्रेसवे की मांग की है। इस मुलाकात में तीन एक्सप्रेसवे की मांग की गई है, जिसमें एक एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिलीगुड़ी के लिए है, जिसका 70% हिस्सा बिहार में पड़ता है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने 11-12 साल से रुके हुए बिहार की परियोजना को लेकर नितिन गडकरी से बात की। दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात के बाद नितिन गडकरी ने तेजस्वी यादव को अपनी हाइड्रोजन कार में उन्हें उनके आवास तक ड्रॉप किया। तेजस्वी यादव ने खुद इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि नितिन गडकरी जी ने हाइड्रोजन कार की टेस्ट ड्राइव के लिए कहा है और उन्होंने इस कार में हमें अपने आवास तक भेजा। तेजस्वी यादव नितिन गडकरी की हाइड्रोजन कार से बिहार निवास पहुंचे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि नितिन गडकरी अपने इनोवेटिव सोच के लिए जाने जाते हैं और इको फ्रेंडली व्हीकल पर ज्यादा जोर देते हैं। अपनी कार में बिहार के डिप्टी सीएम को बैठाकर उन्होंने एक बेहतर संदेश देने की कोशिश की है। अब देखना यह है कि इस राजनीतिक मुलाकात के बाद क्या बिहार को भी एक्सप्रेसवे मिलता है या नहीं।